चुनाव पर रोक लगाई थी और उसके बाद आप छात्रों को समर्थन करने पहुंचे। सीधा सीधा रोक लगाने का कारण यह है कि पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा राजस्थान में प्रमुख विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में चुनाव जीत के आगे आया और कांग्रेस और बीजेपी की किरकिरी हुई। दोनों ने मिलीभगत करके छात्र चुनाव पर रोक लगाई है। पहले भी समय समय पर छात्र चुनाव को रोकने का प्रयास किया, युवा शक्ति को दबाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शुरू से छात्र संघों की स्वायत्ता के पक्ष में और आज मैं आमरण समाप्त करा के आरएलपी पार्टी पूरी तरीके से छात्र चुनाव करने का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारी पूरी पार्टी आज से सड़कों पर मिलेगी। बड़ा आंदोलन हम करेंगे छात्र चुनाव को लेकर और मैं अन्य पार्टियों के नेताओं से भी अपील करूंगा जो लंबे लंबी डींगे हांकते हैं जो एमएलए मंत्री है उनका भी जागे और एक चुनाव करवाए, गहलोत सरकार घोषणा करे चुनाव की, नहीं तो नौजवान गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। ये तो रिपीट करने की बात कर रहे हैं, कहीं पता भी नहीं लगेगा कि कांग्रेस पार्टी कहां गई, बूथ पे एजेंट नहीं मिलेंगे। बेनीवाल जी, एक लिस्ट आई थी कल बीजेपी की, उसमें वसुंधरा गायब है, क्या कहेंगे? वसुंधरा जी तो बहुत समय से मैंने गायब कर दिया था, उनको पहले तो गायब है पहले से। अब तो वसुंधरा को अगर आगे भी ले आए तो आप ये बताएं, बीजेपी तो भ्रष्टाचार के चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करे, अगर मैडम को आगे ले आएंगे तो पूरी भ्रष्टाचार की पूरी पोटली खुल जाएगी। ये क्या मजबूरी रही कि अब एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेता भी आपसे गुहार लगा रहे हैं? ये मेरे छोटे भाई है सारे। देखिए, मेरा खुद का कोई संगठन नहीं है, अगर मेरा संगठन आरएलपी का स्टूडेंट विंग होती तो मैं भी चुनाव लड़ा था। ये मेरे ही भाई है सारे। देखो, इसमें एनएसयूआई एबीपी और ये नहीं, हम सब का मकसद एक छात्र से चुनाव करो। मैं तो इस बात की हमेशा हिमाकत कि कैंपस में पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस आरएलपी कैंपस में नहीं होनी चाहिए। बाहर हो, हमारे बच्चे हैं, जीतने के बाद ये छात्र संघों के लिए अच्छे काम कैसे कर सके, कैसे डेवलपमेंट कर सके, कैसे सांस्कृतिक आयोजन कर सके, कैसे समरसता का भाव नौजवानों को आगे लेके चला, कैंपस की समस्याओं का क्या समाधान। आज दुर्भाग्य देखिए, लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह हालत हो गई कि फरवरी में छात्र संघ देश का कार्यालय बंद कर दिया जाता है, मार्च के बाद उसको आनंद दिया जाता कैंपस के अंदर, कॉलेज में प्रिंसिपल सस्पेंड कर देता छात्र संघ। तो मजाक ही कोई, चुने हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये गुंडागर्दी है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर आरोपी सत्ता के अंदर आई तो लिंगदो कमेटी जो है इसकी सिफारिशों को हम नहीं मानेंगे। नए सिरे से हम चुनाव कराएंगे, पूर्व की बात की, जैसे अगर कोई एक बार हार जाता है तो दोबारा चुनाव लड़ पाए। हाँ, अगर कुछ इसमें अच्छे पॉइंट होंगे, जैसे क्रिमिनल, आप क्रिमिनल किसको कहते हो? अगर कोई रास्ता रोक रहा है उस पर केस दर्ज है, वो अपराधी नहीं है, वो छात्रों के लिए लड़ रहा है, हमारे भी मुकदमे दर्ज हुए छात्रों के लिए लड़ते, सजा भी हुई, वो क्रिमिनल नहीं होता। क्रिमिनल वो होता है जो एक से अधिक बार दूसरी घटनाओं में लिप्त होता है, जो आतन होता है। आप बच्चों को आतन मान रहे हो, ये कौन सी लिंगदो कमेटी भाई? और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस बीजेपी इस तरह का बार बार करी, बीजेपी की सरकार में चुनाव बंद हुए, कांग्रेस बार बार बंद करी। मैं तो आरोप लगाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज का चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बहाने ये चुनाव बंद कराते, उनके मन के अंदर ये होती ना, मैं देखने मिल रहा है उस जमाने के सीएम तो रह गया, चुनाव बंद कर दो। तो चुनाव बंद करने से रिपीटेशन की बात तो खत्म ही होगी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का जो चेहरा वो भी सामने आ गया। बीजेपी के नेताओं का ट्वीट जब आता है, जब मैं ट्वीट करता हूँ कि चुनाव कराओ, तब बीजेपी के नेता आधे आधे घंटे बाद ट्वीट करते हैं चुनाव होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह विधानसभा में बीजेपी आरएलपी मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ती है, यहाँ आइए ना, आप चुनाव कराने के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलो, आप लोग कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हर जगह राजनीति आ गई है। हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी सिर्फ छात्र चुनाव कराना चाहती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब मैं आवश्यकता पर तो राजधानी को करेंगे, 2 लाख जवानों की रैली भी आवश्यकता पर तो जयपुर में करेंगे। कल से हमारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे राजस्थान के अंदर, नौजवान निकल पड़ेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े इसका भी ध्यान रखेंगे। पुलिस का जो हस्तक्षेप कैंपस के अंदर हो रहा है, दुर्भाग्य मुख्य द्वार के बाहर सभा नहीं करने देना, इससे बड़ा क्या लोकतंत्र की गला घोंट के जो हत्याएं की गई है, बात भी की है, जिन बच्चों को जिन बच्चों को पकड़ा उनको छोड़े। मेरी अपील पर बच्चों ने समाप्त किया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। एक इनका डेलीगेशन सरकार से बात करने के लिए 10-15-20 मिनट बाद 4:30 बजे सर बात करें, वहाँ डेलीगेशन कोई अल्टीमेटम कितने दिनों का अल्टीमेटम? तो हम तो आज से चालू होगा ना, दिन क्या है, घेर लेंगे राजधानी को और कह देंगे सचिवालय में घुसना तो घुस जाएंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा हम लोगों को। छात्र तो सारे मेरे साथ ही है, ऐसा की छात्र जो भी है चाहे एबीपी के अंदर बैठा है, उसके मम्मी पापा चाहे बीजेपी को वोट दे रहे, वो ये कहेगा मैं तो आरएलपी को वोट डालूंगा।
जवान तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पसंद है जवानों की। आज छात्रों से ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस प्रशासन नजर आता है इन दिनों। आज मैं आया हूँ ना, इसलिए आ रहा हूँ। नियमित रूप से यही स्थिति रहती है, इसलिए है कि हमारे जो लीडर हैं वो ये नहीं चाहते कि छात्र नेता मजबूत हो, छात्र संघ मजबूत हो। कैंपस में बार बार जो कैंपस की स्वायत्तता को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। हम इस बात के विरोध करते हैं हमेशा, छात्र संघ मजबूत हो, कैंपस में पुलिस का इंटरफेरेंस बंद हो, हर समय पुलिस का। मुझे बताएं कल हॉस्टलों के आसपास भी पुलिस मंडराती है, क्या लेन देना पुलिस का वहां बताएं। ठीक, आज ये कमिश्नर से बात भी हमने कर ली, राज्यपाल से भी मिलेंगे। आप आने वाले 2-5-7-10 दिन के अंदर देखोगे कि गहलोत सरकार किस तरह अपना फैसला बदलती है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर फैसला नहीं बदला तो बूथों पे कांग्रेस पार्टी को एजेंट नहीं मिलेंगे राजस्थान में। ठीक है।